नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण और आप देख रहे हैं एपीजे इलेक्ट्रॉनिक चैनल। दोस्तों आज जो है कि हम जो रिपेयर करने वाले हैं वो है क्या, हाँ ये जल्दी कंपनी की टीवी, वो भी अल्ट्रा स्क्रीन। मॉडल नंबर में आपको भी कैमरेज दिखा दूंगा। तो इसमें फॉल्ट क्या था कि पावर जब लगाते थे तो चुक चुक की आवाज़ आती थी। नॉर्मल सी बात है कि इसमें आउटपुट शॉर्ट होगा, तो आउटपुट हमने लगाया, किस तरह से लगाया वो भी आपको दिखाएंगे कि बहुत छोटा वाला जो आउटपुट था इसमें, क्या बोलते हैं ये छोटा वाला, जिस तरह का 21.03 होता है उस तरह का, तो इसको हमने लगाया है बड़े वाले को इनपुट को, क्योंकि अल्ट्रा स्लिम है तो उसमें हमको आउटपुट की जगह इनपुट लगाना पड़ता है। तो लगाने के बाद एक फॉल्ट सामने आया है, मैं आपको उसको भी दिखाता हूँ और पहले दिखाता हूँ कि किस तरह से मैंने आउटपुट को लगाया है। तो चलिए देखते हैं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टीवी जो है काउंटर पे है, तो मैं आपको पहले दिखा दूँ, तो कैमरा उठाना पड़ेगा, तो ये कैमरा मैंने उठा लिया। तो फिर दोस्तों ये देख सकते हैं, ये इसकी सर्किट, यहाँ पे इसका ये आउटपुट ट्रांजिस्टर लगा था यहाँ पे, तो ये काफ़ी छोटा वाला था, तो नीचे गिर गया वो जिसको मैं दिखाने जा रहा था। तो यहाँ पे मैंने ये तीन वायर को ले जाके इस तरफ एक जगह है थोड़ा सा, तो यहाँ पे मैंने इस 18.02 को यहाँ पे सेट किया है, वो भी ओरिजिनल है, तो इसमें का नंबर कोई और है, तो इसका है नंबर C5296, उल्टा है लगा, थोड़ा उल्टा दिखाएगा आपको। तो ये इसको हमने यहाँ पे लगाया है, और इसको लगाने के बाद जो है कि डिस्प्ले अब किस तरह से आ रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ, और तो क्या फॉल्ट है, और इसी वजह से ये आउटपुट ट्रांजिस्टर हमारा ख़राब भी हुआ होगा। चलिए चलते हैं डिस्प्ले पे, थोड़ा सा सर्किट को सीधा कर लेंगे ना, तभी तो दिखाएंगे आगे। टीवी हो गई सीधी, तो आगे स्क्रीन पे लगाते हैं पावर को। पावर की कॉर्ड नीचे गिरी है, ये ट्रांजिस्टर भी यहीं पर गिर गया नीचे, उठा लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये रहा इसका ट्रांजिस्टर आउटपुट, दोस्तों इसका नंबर नहीं दिख पा रहा है कैमरे में क्योंकि मोबाइल से थोड़ा नहीं दिख पाता, तो इसका नंबर मैं आपको बता दूं क्या लिखा है इस पर, इसका नंबर है C6090। तो ये हो गया, लगाते हैं पावर को। दोस्तों ये ब्रांड है टीवी, तो ये सीरीज में चल जाएगी, ये देख सकते हैं आप सीरीज बल्ब जलने लगा है, डिस्प्ले आप देख सकते हैं आधा आ रहा है, और इसी तरह के अगर हम ज़्यादा देर तक लगाए रहेंगे इसको तो ये आउटपुट ट्रांजिस्टर हमारा फिर ख़राब कर देगा, देख सकते हैं बिल्कुल आधी बीच में चारों तरफ। तो इसका फॉल्ट क्या है आप ये देखिए, मैंने फॉल्ट खोज लिया है और ये वीडियो भी बना रहा हूँ, अब बहुत सारे वीडियो नहीं बन पाते हैं जल्दी में रिपेयर करने में, फिलहाल कस्टमर थे इसलिए उस समय ये ट्रांजिस्टर नहीं मिल पाया, नहीं तो उस समय ये टीवी बन के चली गई होती। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इसका पीएफ जो है कि मैंने निकाल के रखा हुआ है, यही पीएफ ख़राब है इसका, वो थोड़ा सा देख सकते हैं आप ये फिलअप हुआ भी है। तो यहाँ पर जो है कि इसका नंबर मैं आपको दिखा दूँ, 123J 2000 वोल्ट में इसका ये पीएफ लगा हुआ है। अब मैं इसी को जो है कि लगाने वाला हूँ यहाँ पे दूसरा, वो सर्किट को उस तरफ लगा था तो मैंने चेक किया है, तो ये मेन पीएफ जो है ये ख़राब है, तो इसको मैं निकाल लेता हूँ। तो फिर दोस्तों हमने ये जो है कि पीएफ इसका निकाल लिया है, तो इसमें हम लगाने वाले हैं एक नया पीएफ, तो अपना पीएफ का बॉक्स निकालते हैं हम। तो ये रहा हमारा पीएफ वाला बॉक्स, 123J का पीएफ इसमें से हम खोज लेते हैं, तो मैंने पहले ही खोजा था इसमें 123J का पीएफ नहीं था, तो ये 153J का पीएफ है, तो इसमें मैं लगा के देता हूँ, और 2000 वोल्ट में है ये, तो उसको मैं लगाऊंगा कैमरे से, सॉरी मोबाइल को हाथ से पकड़ा हुआ है, तो वीडियो को पॉज करूँगा फिर लगाऊँगा। तो फिर दोस्तों ये देख सकते हैं ये पीएफ लग चुका है, तो लगाते हैं इसमें पावर को, उससे पहले हम सर्किट को पलट लेते हैं।
ब्लॉक बता लें, टीवी को घुमाना भी पड़ेगा ना, इसलिए तो सर्किट को हमने ये पलट लिया। टीवी को भी घुमा लेते हैं, पावर की कॉर्ड लगाते हैं, सीरीज में ही लगाएंगे क्योंकि ब्रांड है अल्ट्रा स्लिम, तो ऐसे सीरीज में चलती नहीं है लेकिन ब्रांड है इसलिए चल जाएगी। तो देख सकते हैं सीरीज वाला बल्ब जो है उसका बल्ब भी कम हो गया, और डिस्प्ले पे आके देखते हैं तो ये देख सकते हैं डिस्प्ले पूरी आ गई है, और ये जो RGB बन रहा है हमारा, ये पीछे से जो इसका रिंग है, ये इसका ये रिंग ढीला हो गया है, तो इसको हमको मिला के एडजस्ट करना पड़ेगा कलर को, और थोड़ा सा 19-20 जो ऊपर नीचे हाइट में होगा तो PF लगाने से सही हो जाएगा। डिस्प्ले तो पूरी है और ये जो कलर डिसबैलेंस जो सही नहीं हो रहा है तो ये इसी से हो जाएगा एडजस्ट, या तो इसको पूरा निकाल दें या फिर इसको सही करने में अपना समय व्यर्थ करें, तो थोड़ा सा समय तो लगेगा ही। तो फिर दोस्तों जो है कि ये देख सकते हैं आप टीवी की पिक्चर क्वालिटी बिल्कुल सही हो गई, क्योंकि वो जो PF था वो 123 मैंने लगा दिया, और जो ये पीछे का जो कलर एडजस्टिंग के लिए दिया जाता है ये भी मैंने इसको सेट करके, इसका पीछे को लॉक टूटा था इसलिए सोल्डिंग से इसको हल्का हल्का गला दिया है, तो ये हो गया है बिल्कुल सही। देख सकते हैं आप पिक्चर की क्वालिटी, जो RGB बन रहा था वो बिल्कुल सही हो गया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर आपको कोई पैसा नहीं दिया जाएगा, तो इसलिए हमारे साथ जुड़ जाएं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।